हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज एक नए सब्जेक्ट पर, यानी इंटरैक्टिव लर्निंग करके आपके एसआरएमएस में एक सेक्शन है, एक टैब है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो क्या आता है स्क्रीन पर और वो किस तरीके से यूज़ किया जाए या किन के लिए है, इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी ब्रीफ में आपको मैं बताऊंगा, बाद में इसमें डिटेल्स में हम आपको वीडियोस बना करके अवेलेबल कराएंगे स्पेशली इनको यूज कैसे किया जाना चाहिए। तो जब आप इंटरेक्टिव लर्निंग पर क्लिक करते हैं तो आपको ये कुछ एसेट्स दिखती हैं। ये एसेट्स क्या हैं? लाइक डिक्टेशन पर बेस्ड हैं। मुझे याद है हमने अपने बचपन में बहुत डिक्टेशंस किए थे, स्पेशली जहां हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी वहां हमें डिक्टेशन करने के लिए कई 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 बार कहे जाते थे प्रैक्टिस के लिए। अल्फाबेट पेयरिंग, अल्फाबेट और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स फ्रूट्स को पेयर करने के लिए है। मेमोरी टेस्ट है, बच्चों की मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। सुडोकू हालांकि छोटे बच्चों के लिए नहीं है, फिर भी एक ऑप्शन है, टीचर्स भी इसको ट्राई कर सकते हैं। क्रॉस नंबर है, स्टोरीज हैं, राइम्स हैं, ग्रामर पर कुछ हमारे लिए इंटरेक्टिव, ये सारी इंटरेक्टिव लर्निंग है। इसमें ऑब्वियसली मैनुअल तो हमें करना है बट इंटरेक्टिव है, वो ऑटोमेटिक इसके रिस्पॉन्स आते हैं। वर्ड सर्च है, रीजनिंग है, डिक्शनरी स्किल्स, फन शो, आप देख सकते हैं मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, नंबर नेम्स, कंपेयरिंग नंबर्स, ऑर्डरिंग वैल्यूज, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन। आईआईटी दिल्ली के ऑगमेंटेड रियलिटी के ऐप भी है, ये भी आपको बहुत जल्दी यहाँ यहीं से अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, एक दो सेक्शंस आपको दिखाता हूँ, बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से एक्सप्लोर करें। तो ये बेसिकली इंटरेक्टिव लर्निंग किन के एक्सेस में अवेलेबल है ये बता देता हूँ। इंटरेक्टिव लर्निंग स्कूल एडमिन के डैशबोर्ड में अवेलेबल है, पेरेंट्स की मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है और एडुकेटर्स के मोबाइल ऐप में भी। यानी यदि बच्चे घर पर चाहें तो थोड़ा बहुत इसके थ्रू भी प्रैक्टिस या इंटरेक्टिव लर्निंग रिसोर्सेज यूज करके कर सकते हैं। मैं एक दो चीजें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है वो अल्फाबेट पेयरिंग है, तो अल्फाबेट पेयरिंग में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप अल्फाबेट पेयरिंग पर क्लिक करते हैं तो 25 आपको सेट्स यहाँ दिखती हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं अल्फाबेट पेयरिंग सेट वन पे लेकर चलता हूँ आपको, तो आप देखें यहाँ पर क्या आता है। ये मोबाइल में भी यूज हो सकता है और टैबलेट, लैपटॉप और ऑब्वियसली कंप्यूटर में भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो आपको बच्चों को बतानी है, जो कि बच्चे अभी इस लेवल पे उनकी लैंग्वेज नहीं है। ड्रैग लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट एंड मैच विद द इमेजेस इन द राइट। यानी ए को इससे रिलेटेड दूसरे जिसका जो ऑब्जेक्ट है उससे मैच करना है। ए से एप्पल, बी फॉर बॉल, आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। अब ये मैचिंग तो हो गई लेकिन इसे चेक भी किया जाना है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, आपको टीचर की जरूरत नहीं है। ये खूबसूरती है इंटरेक्टिव लर्निंग के, आप खुद से चेक कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे जितनी बार चाहें उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक एसेट है। यदि मैं दूसरे एसेट की बात करूं, इसके अलावा और क्या है, तो डिक्टेशन है। डिक्टेशन में भी कई सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स पर डिक्टेशंस हैं, फ्रूट्स पर डिक्टेशन है, नंबर नेम्स पर हैं, प्लेसेस पर हैं, वेजिटेबल्स पर हैं, थ्री लेटर वर्ड्स पर भी हैं। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे आप किसी भी डिक्टेशन को प्ले करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आइकन बनती हैं आपके लिए स्पीकर की, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो ऑब्जेक्ट, जो नेम या वर्ड ये स्पीकर साउंड करता है, यानी जो वर्ड ये बोलता है उसी वर्ड को यहां पर आपको टाइप करना है। ध्यान रखना है फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। मैं करके देखता हूं, वन इसने कहा वन, तो ONE वन लिखा मैंने। नेक्स्ट बस बस, मैंने जो सुना बस, तो BUS, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। रैट थर्ड इन्होंने कहा रैट, तो चलिए मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी एक दो कर देता हूं कैप ताकि समझ में आए स्पेलिंग मिस्टेक होने पर ये कैसे रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट कैप फॉक्स, थर्ड इन्होंने कहा फॉक्स। अब मैं इसको चेक करता हूं, देखें यू हैव मेड वन मिस्टेक्स, 4 out of 5। यहां पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि एक्चुअली वो वर्ड था क्या और मैंने क्या सुना, क्या टाइप किया, ये यहां पर आपको चीजें दिख सकती हैं। आप रीट्राई कर सकते हैं,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की लैंग्वेज फॉर्मेशन पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो डिक्शनरी स्किल्स, डिक्टेशन, वर्ड फॉर्मेशन पर बहुत बहुत काम करने होंगे, तभी लैंग्वेज डेवलप होगा। मेमोरी टेस्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो मेमोरी टेस्ट में आपको आई बिलीव सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ग्रेडेशन फॉलो किया गया है, यानी पहले आपको सिंपल छोटे छोटे ब्लॉक्स के साथ या कम ब्लॉक्स के साथ ये टेस्ट दी गई आपको। जैसे यहां देखें सिर्फ 6 ब्लॉक्स हैं, तो यहां टाइम भी आपकी रिकॉर्ड होगी और आपने कितने कार्ड्स टर्न किए सारी कार्ड्स को मैच करने के लिए, ये भी यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप बच्चों की मेमोरी को एनहांस करना चाहते हैं तो इस तरह के गेम्स बहुत काम आते हैं। तो देखता हूं क्या है, एक करके आपको दिखाता हूं। यहां पैरट है, तो ये आपको इमेज ध्यान में रखनी है कि इस वाले कार्ड में ये पैरट था, तो सिमिलर कार्ड आपको मैच करना है। ये पैरट नहीं है, ये कुछ और है, यहां सनफ्लावर आ गया। देखिए पैरट यहां है इस कार्ड में, तो मैं पैरट, दोनों कार्ड्स हमारे अब मैच हो गए। यहां सनफ्लावर था मुझे याद है, यहां भी सनफ्लावर, ये मैच हो गया। यहां एक दूसरा फ्लावर, एक और फ्लावर, ये सारे मैच हो गए। 27 सेकंड्स लिए 10 कार्ड्स मैंने टर्न किए। इस तरीके से अगर आप देखें, मैं अगर थोड़ा सा सेट नंबर 40 लेता हूं तो देखते हैं स्लोली ग्रेजुअली, अब इसमें नंबर ऑफ कार्ड्स बढ़ गई। अब देखें बहुत सारी कार्ड्स हैं, कितनी है कार्ड्स, एटलीस्ट 12 कार्ड्स हैं। तो इससे भी सॉल्व करते हैं, ये नंबर्स आ गए यहां पे, तो बच्चों को नंबर भी ध्यान में रखना है। 12 मैच हो गया, 50, 26, 50 एंड 50 मैच हो गए, 23, 26 यहां था, 26 मैच हो गए, 7 एंड 19, 7 एंड 7 मैच हो गए, 23 एंड 23 मैच हो गए, 19 एंड 19 मैच हो गए, 21 सेकंड्स, 18 कार्ड्स टर्न, गुड वर्क। सो इस तरह की एसेट्स हैं और ये बहुत ही केयरफुली बच्चों की जो लर्निंग नीड्स हैं या उनके फाउंडेशन, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, उनकी कॉन्सेंट्रेशन हो, उनके स्किल्स को लेकर हो, उसे ध्यान में रख के इन एसेट्स को डेवलप किया गया है। आप स्टोरीज अभी कुछ सेक्शंस इसमें हम डिज़ाइन करा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और वक्त लगेगा। इंग्लिश हिंदी स्टोरीज हैं, ये सारी क्यूरेटेड होंगी, राइम्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी। आप ग्रामर का सेक्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं एक्शन वर्ड्स यदि आप पढ़ाते हैं बच्चों को, नर्सरी में तो ऑब्वियसली नहीं, बट LKG UKG में तो आप इसको वो कर सकते हैं। अपोजिट वर्ड्स क्या क्या हैं इनमें, ये सब चीज़ें अभी आपको यहाँ पर बच्चों को खुद से टाइप करनी है या टीचर को टाइप करना होगा बच्चों से पूछ करके, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको अगर वर्ड सर्च पर ले चलूँ तो वर्ड सर्च में भी देखिए कितने ब्यूटीफुली कैटेगरीज बनाई हैं इन्होंने कि अल्फाबेट पर वर्ड सर्च है, एनिमल्स पर वर्ड सर्च है, फ्लावर्स पर, फ्रूट्स पर। तो इससे क्या होगा, बच्चों की जो जो सब्जेक्ट एरिया है, जो उनका फाउंडेशन है, वो बहुत ही स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। जैसे मैं अगर आर बॉडी पर आपको लेकर चलूँ तो आर बॉडी में आपके 8 हैं, तो सेट नंबर 1 में देखिए आई आपको वर्ड सर्च में फाइंड आउट करना है और पेन पेपर से नहीं। सो आप अपना कर्सर यूज करते हैं या अपने फिंगर्स इसको ट्रेस कर सकते हैं। आई तो मैं देख रहा हूँ, आई यहाँ पर आई है, इसको मैंने ऐसे किया और ये आई मेरा आ गया। फिर मैं देखता हूँ बोन है, तो बोन मीन्स B-O-N-E बोन है, तो इसको पहले आपने यहाँ पर क्लिक किया और B-O-N-E बोन आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपका बोन आ गया। फिर ब्रेन है, तो ये B-R-A-I-N ब्रेन भी है। हाथ है आपका H-E-A-R-T हाथ है, और फिर यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, रीट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके की एसेट्स इसमें डाली गई हैं। आप डिक्शनरी स्किल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके यूज को एम्फेसाइज करूंगा, और जिस तरीके से इन्होंने डिक्शनरी स्किल्स को डिजाइन किया है वो बहुत ही लॉजिकली ग्रेड की गई हैं। लाइक पहले लेटर्स को ऑर्डर किया जाना है, फिर वर्ड्स की ऑर्डरिंग बच्चे सीखेंगे, फिर स्पेलिंग चेक है, फिर मीनिंगफुल वर्ड्स फॉर्मेशन है। तो जैसे मैं आपको ऑर्डरिंग लेटर्स दिखाता हूँ, और ये कई बार हम और आप भी इसमें हो सकता है थोड़ा सा हमें भी टाइम लगे, क्योंकि ये बहुत हेल्प करती है आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में भी। यहाँ अरेंज द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेट में पहले कौन सा लेटर आता है ये आपको देखना है।
तो लेट्स से अगर के आता है तो मैंने के को पहले किया, पी उसके बाद आता है तो पी को आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और इससे भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो मैं के को फिर से ऊपर ले चलता हूं और इसको चेक करता हूं ये आपको करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट होगा तो आपको सॉल्यूशन भी देखने का ऑप्शन यहां पर दिखेगा। इसके बाद मैं आपको एक और दिखाना चाहता हूं, ऑर्डरिंग वर्ड्स में चलें। तो ऑर्डरिंग वर्ड्स में देखें, आपके सारे वर्ड्स लेटर ए से शुरू हो रहे हैं लेकिन डिक्शनरी में किस सीक्वेंस में आएंगे ये आपको यहां पर करना है। ये मैंने कर दिया, उसको मैं चेक करता हूं करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको लास्ट वाला मीनिंगफुल वर्ड्स दिखाता हूं। इसमें बेसिकली आपको वर्ड्स बनाने हैं, लेटर्स आपको दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं इन्हें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या बनाएंगे। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको COW काउ बनाता हूं। इस तरीके से आप इसके एसेट्स को एक्सप्लोर कीजिए। नंबर नेम्स है, कॉम्पेयरिंग नंबर्स को कॉम्पेयर करना है, तो ये सब चीजें आप क्लासरूम में, बिकॉज आपके क्लासरूम में टेलीविजन है तो आप बच्चों से कर सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं। चूज द बिगर नंबर, बिगर नंबर 8 है और 4 है, 8 मैंने यहीं चेक कर लिया और मैं चाहूं तो आगे के क्वेश्चंस भी कर लूं और फिर एक बार में उसको मैं चेक करता हूं। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको सिर्फ 4 out of 5 आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं यहां पर कि सॉल्यूशन करेक्ट कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन सा है। इस तरीके से आप इस पूरे इंटरैक्टिव लर्निंग सॉल्यूशंस को बहुत ही रेगुलर बेसिस पर एंड केयरफुली यूज किया जाना चाहिए। इससे आपके क्लासरूम में स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बेनिफिट होंगे। ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बाकी के जो सेक्शन हैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इंटरेक्टिव लर्निंग सॉल्यूशन को एक्सप्लोर कीजिए। अपने एडुकेटर से आप रिक्वेस्ट करें कि वो सेक्शन को अपनी एक्सेस के थ्रू एक्सप्लोर करें ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये बन जाए कि हमें इसे इसमें क्या क्या है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है। थैंक यू सो मच।